अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड ईयर के स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 3 के बाद यूनिट नंबर 4 भी डेरिवेटिव के ऊपर चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है हायर डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन। अब चूंकि चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम डेरिवेटिव का सिस्टम समझते हैं और इस चैप्टर में उसकी एप्लीकेशन के उसके यूजेस क्या है, तो सबसे पहले जो 4.1 एक्सरसाइज है इसमें हमें उन्होंने बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ डेरिवेटिव का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और इस कॉन्सेप्ट को हमने आगे जाके एप्लीकेशन वाइज यूज करना है। और ये चैप्टर देखा जाए तो ज्यादा इजी होता है बनिस्बत 3 चैप्टर के, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी टेक्निकल पेचीदगियां नहीं होती बल्कि एक नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस दिए होते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है और इसके अंदर तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि फाइंड द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डेरिवेटिव। तो याद रखिये, अगर सिर्फ थर्ड डेरिवेटिव भी कहते तो आपको फर्स्ट सेकेंड भी फाइंड आउट इसका करना होता। तो सबसे पहले हमें करना यह है कि यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हुए यहाँ पे हमें फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो भी यहाँ पे आपको फंक्शन दिया हो, यानी कि x दिया तो एक्स वाइज लेंगे, y दिया तो y के लिहाज से लेना होगा। तो अब यहाँ पे dy वाई अपॉन डी एक्स आने के बाद d अपॉन डी एक्स और cos स्क्वायर x है। अब जैसे यूनिट नंबर 3 में हम पढ़ चुके हैं कि 2 पावर पहले लिखी जाती है, फिर इसमें से 1 पावर को लेस कर दिया जाता है तो cos की पावर 1x आ जाएगा और फिर हमें डेरिवेटिव लेना होगा सिर्फ और सिर्फ cos x का। और जैसे ही हम इसका cos x का डेरिवेटिव लेंगे तो आपको याद है कि इसके फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं और ये माइनस का sin x आ जाता है। अब माइनस का sin x आएगा तो फाइनली इसको लिखेंगे तो हम माइनस 2 cos x और उसके बाद sin x। अब ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ चुका है। तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए हम इसके अंदर देखा जाए तो दो सिस्टम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक सिस्टम अप्लाई करते हैं तो यहाँ u इंटू वी जो पहले पुरानी वाली बुक में था, अब इसमें एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो यूज होता है, लेकिन इस टाइम यहाँ पे एक फॉर्मूला भी अप्लाई होता है तो जिससे काफी हद तक आप सिंपल इसको कर सकते हैं। यानी अगर आप वो फॉर्मूला यूज कर लें तो हमारे पास ये हो जाएगा साइन 2x। तो इस तरीके से आप अपनी जहानत से एक लेंथी क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला है हमारे पास किसका कि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पे x दिया हुआ है लिहाजा अगर एक्स वाइज है तो एक्स वाइज ही लिखते हैं। अब यहाँ पे हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है तो अब यहाँ पे सेकंड इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरीके से हमें आसानी हो जाएगी। तो ये d अपॉन डी एक्स हम दोबारा अप्लाई करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स पे और इसी तरह माइनस को साइड पे ले लें और d अपॉन डी एक्स करते हुए साइन 2x के ऊपर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब साइन 2x का डेरिवेटिव हमारे पास पॉजिटिव cos 2x होता है तो cos 2x हो जाएगा। और याद रखें कि 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास जो है वो 2x का डेरिवेटिव जैसे हम लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाता है। फाइनली इसे लिखा जाएगा माइनस 2 cos 2x सिंपल ये आ जाएगा, बाकी dx से dx कैंसिल हो जाएगा। अब आप ये देखें कि अगर हम ये फॉर्मेट यूज करते हैं तो हमारा फॉर्मेट काफी बड़ा हो जाता, तो लिहाजा कहने का मतलब है कि बुक में हो सकता है कि आंसर दो लिहाज से जब आता है तो हमें लाजमी तौर पे जो है हम किसी एक मेथड के लिहाज से आंसर ला सकते हैं, लेकिन अगर दो अंदाज से आंसर आए तो आपका जरूरी नहीं है कि बुक वाइज आंसर 100% मैच हो। 2 पॉसिबिलिटी होती है, जैसे एक फॉर्मूले की प्रोडक्ट साइड होती है, एक सम होती है। तो हम जो है जो आसानी से समझ रहे हैं हम उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने आसानी को देखते हुए इस फॉर्मेट को कॉपी करने। अब देखिए यहाँ पे भी आपके पास सिंगल फंक्शन है तो आप खुद समझ रहे हैं कि हमारे पास अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते तो बाद में ये आपका और एक सिलसिला बढ़ जाता। तो अब यहाँ पे हमने इसका लास्ट टाइम यानी थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स को फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर डी क्यूब लिख लें तो वाई इधर आ जाएगा और डी एक्स स्क्वायर है और इस जानेब माइनस 2 को साइड पे रखते हुए डी अपॉन डी एक्स के बाद कॉस 2x होता तो इसका आगे जाके आंसर होता माइनस का 2 और कॉस 2x हो जाता हमारे पास माइनस साइन 2x और 2x का डेरिवेटिव हमारे पास 2 होता है। तो फाइनली इसका आंसर हमारे पास माइनस माइनस प्लस 4 साइन 2x इसका हमारे पास आंसर इसका फाइनली आएगा। अब चूंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, अब बुक में 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं और मैं थोड़ा बुक के आंसर्स को नहीं देखता, लेकिन बाद बच्चों की तरफ से ये कमेंट्स आता है कि बुक से आंसर मैच नहीं होता। तो बाद वक्त होता ये है कि आंसर्स के 2 रुख होते हैं तो हमारा रुख चेंज भी हो सकता है और मैं भी कोई गलती भी हो सकती है। तो मेरा यूट्यूब के ऊपर व्हाट्सएप नंबर लिखा होता है तो आप वो हिस्सा उसकी तस्वीर लेके आप भेजा करें जहां से आपको वो गलत महसूस हो, बहरहाल गलती भी होने के इम्कान हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बुक में आंसर यहाँ पे ये होगा या इसकी जगह ये हो सकता है कि 4 है तो साइन 2x का
दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो इस तरीके से ये हो जाता है 8 साइन एक्स और कॉस एक्स। तो आप देख लीजिएगा, यहां तो सिर्फ और सिर्फ आंसर यूं दिया होगा, यहां इसका आंसर इस तरीके से दिया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है कि फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और डिवाइड का फॉर्मूला यहां पे अप्लाई हो रहा है। तो यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हुए यहां पे अब इन्होंने दो अंदाज से दिया, या तो ये डी अपॉन डी एक्स देते हैं या फिर यहाँ पे एफ एक्स करते हैं, ताकि हर लिहाज से आपको वो तैयार कर सके। तो इस सूरत में आप एफ के ऊपर डैश लगाएंगे तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाएगा और यहां पे फॉर्मूला आपके पास यूज हो जाएगा, जैसे कि एफ एक्स के लिहाज से। तो यहां पे फॉर्मूले में आपका ऊपर वाला जो है वो आपके पास एफ एक्स और नीचे वाला जो है वो आपके पास जी एक्स हो जाएगा। और जैसे कि हमारे पास डिवाइड का फॉर्मूला है और फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से कि डी अपॉन डी एक्स अगर हम ले रहे हैं फॉर्मूले में, तो एफ एक्स आपके पास न्यूमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर जी एक्स होता है, और फिर यहां पे 1 अपॉन जी एक्स का आप स्क्वायर करते हैं और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर पहले जी एक्स फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव, अगर एफ के ऊपर डैश भी करते हैं तो उसका मतलब वही होता है, माइनस के बाद एफ एक्स और जी डैश एक्स। तो इस लिहाज से ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव तक जाना है, तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि यहां पे जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 अपॉन हमें जी एक्स यानी कि 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर कर देना है और उसके बाद फर्दर आगे ब्रैकेट लगा के हमें 1 प्लस साइन एक्स लिख के छोड़ देना होता है, और फिर उसके बाद हम डेरिवेटिव लेते हैं किसका जो ऊपर दिया हुआ है यानी कि कॉस एक्स, फिर माइनस के बाद कॉस एक्स लिख के छोड़ देंगे और डेरिवेटिव लेंगे हम नीचे वाले का, तो नीचे वाला है 1 प्लस साइन एक्स, तो यहां पे ब्रैकेट क्लोज होगा और उसके बाद यहां पे 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर चलता रहेगा और यहां पे 1 प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव जैसे लेंगे इसे ब्रैकेट में होना चाहिए, तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा और उसके बाद यहां पे माइनस कॉस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, और याद रखिए कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 और साइन एक्स का आपके पास कॉस एक्स इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसमें सेकंड डेरिवेटिव से पहले आप पॉसिबिलिटी देख लें, इसको मल्टीप्लाई करके देख लें कि इसकी क्या इसमें मतलब कि कुछ कटिंग का सिलसिला हो रहा है, तो लाजमी तौर पे आपको फायदा होगा। अब माइनस साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसी तरह यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो अब हर क्वेश्चन में इन्होंने कुछ ना कुछ टेक्निक्स ऐसी अप्लाई की है जिससे एक बड़ा क्वेश्चन हम छोटा कर सकते हैं, और वो इस तरीके से कि अगर हम इन तीनों में से नेगेटिव कॉमन ले लें तो यहां पे हमें सिलसिला यूं होगा, अगर यहां ब्रैकेट बना दें तो साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा लेकिन यहां पे ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स रह जाएगा, जो कि आपको पता है कि हमारे पास ये 1 के बराबर होता है, और नीचे अब अगर आप चाहें तो पूरे को लिख दें 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। अब जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 के इक्वल होगा, तो इस तरीके से ऊपर और नीचे ब्रैकेट एक जैसा होगा। तो आपने देखा कि सारे क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो अकल के लिहाज से आपको दिए गए, और अकल को यूज करेंगे तो क्वेश्चन को शॉर्ट कर लेंगे वरना काफी लेंथी रहेगा। तो यहाँ पे साइन एक्स आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अब चूंकि सेकंड डेरिवेटिव भी लेना था और अगर हम ये सिस्टम को अप्लाई नहीं करते तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती थी और क्वेश्चन काफी लेंथी हो सकता था। तो एक यानी कि ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे आ गया है माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अगर हम डिवाइड के फॉर्मूले से बचना चाह रहे हैं तो हम नीचे वाले सिंगल पावर के साथ वाले ब्रैकेट को ऊपर ले आते हैं ताकि हमारा एक नॉर्मल क्वेश्चन हो जाए, 1 प्लस साइन और एक्स के बाद ऊपर पावर आ जाएगी माइनस के 1। इस तरीके से डिवाइड के फॉर्मूले से भी हम बच गए और यहां पे सिंगल डेरिवेटिव का आंसर आ चुका है। अब सेकेंड इसका डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो इसमें हमारे पास माइनस के बाद डी अपॉन डी एक्स आते हुए 1 प्लस साइन एक्स ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 होगी, और जैसे ही हम आगे जाएंगे तो माइनस 1 पावर इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस 1 हो जाएगी, और वैसे आपको समझाने के लिए मेंशन कर दिया, और इसकी पावर मजीद इसकी ब्रैकेट की पावर जो है माइनस की 2 हो जाएगी, जो कि नीचे आ गया हमें पॉजिटिव करना होगा। और अभी इसका डेरिवेटिव भी हमें लेना होगा कि 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो यहां पे ये अपॉन में आ जाएगा और 1 0 हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा, तो लिहाजा इसका ऊपर कॉस एक्स आ गया और ये नीचे जाके स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा और यहां पे 1 प्लस साइन एक्स के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इस तरीके से इसका आंसर आ गया।
तो क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको फोर टाइम डेरिवेटिव लेना है, यानी फोर डेरिवेटिव। तो इसके दो पार्ट्स हैं, तो इसको फटाफट देखते हैं कि हमने इसको फोर टाइम इसका डेरिवेटिव लेना है। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो इसके ऊपर एच के ऊपर डैश लगाते हुए। अच्छा, अब चूंकि क्वेश्चन काफी लेंथी हो गया है तो आपको समझाने के लिए, अगर एग्जाम में आए तो आप इसके स्टेप्स को ज्यादा से ज्यादा शो कर दें, लेकिन अभी हमें पता है कि एक बार हम इसको मतलब डी अपॉन डी टी करते हुए, यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपने क्या लिखना होगा टी। अब टी वेरिएबल है तो यहां पे आपने क्या कर देना, थ्री टी की पावर सेवन माइनस सिक्स टी की पावर फोर प्लस एट टी का क्यूब माइनस ट्वेल्व टी और प्लस का एट एटीन। ओके, तो लिहाजा अब इसको सेवन को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो ट्वेंटी वन टी की पावर वन कम हो जाएगी सिक्स, और सिक्स फोर का ट्वेंटी फोर आपके पास टी की पावर वन एक कम हो जाएगी। अच्छा, चूंकि ज्यादा डेरिवेटिव लेना है इसलिए मैं छोटा करके स्मॉल करके लिख रहा हूँ, एट थ्री का ट्वेंटी फोर, ये ट्वेंटी फोर लिखा है ठीक है, ट्वेंटी फोर और टी का स्क्वायर, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ टर्म आ जाएगा। और याद रखें कि अब आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, जैसे ही आप एक्स टी लेंगे तो इसके ऊपर जैसे एच डैश टी था और यहां पे एच के ऊपर डबल टी डबल डैश आ जाएगा, टी तो चलता रहेगा, और अब ट्वेंटी वन को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसको टर्म का कॉन्स्टेंट आ जाएगा 126, टी की पावर फाइव लिख दी जाएगी, और यहां पे थ्री से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 48, 52, 62, 72 आपके पास यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा और टी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 48 टी आ जाएगा और कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा। इसी तरह आप थर्ड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे एच के ऊपर तीन डैश आ जाएंगे और टी के बाद यहाँ पे आप चूंकि कांस्टेंट नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 5 को 126 से मल्टीप्लाई किया तो ये 630 हो गया और टी की पावर आपके पास 4 आ गई, और 72 को 2 से करेंगे तो 144 टी की पावर 1 हो जाएगी, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ 48 आ जाएगा, टी खत्म हो जाएगा, और लास्ट इसका यानी कि फोर्थ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहां पे अब एच के ऊपर 4 टाइम डैश लगा देंगे, इसको इंडिकेशन देगा कि ये 4 डेरिवेटिव है। अब 630 को मल्टीप्लाई करना है आपने पावर 4 से, तो ये काफी बड़ा नंबर आ गया 2520, और टी की पावर 1 कम हो जाएगी, और यहाँ पे क्योंकि पावर 4 से कम होते होते यहाँ पे 1 आ चुकी थी और 144 आएगा और टी कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चूंकि नंबर नॉर्मल थे इसलिए ये ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, अगर यही आपको रूट्स की सूरत में दिया होता तो अच्छा खासा बड़ा हो सकता था। अब इसका सेकेंड पार्ट है, और याद रखें कि इसके अंदर सबसे पहले आपने रूट्स को पावर की सूरत में लिखना होगा, वरना आपको मुश्किल यानी कि प्रॉब्लम आपके लिए पैदा हो जाएगा, क्योंकि आप पहले इसको डेरिवेटिव से पहले इसको जैसे डिनोमिनेटर है आप इसमें डिवाइड का फॉर्मूला भी सोचेंगे लगाने का, इसको आप ऊपर लें तो 1/8 का ऐसा कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, एक्स ऊपर आगे इसकी पावर माइनस की 2 हो जाएगी और एक्स की पावर 1/2 है। तो यहां पे अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, अब यहां पे एक्स के लिहाज से लिखना होगा तो एफ डैश एक्स होगा, और यहां पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे एक्स के साथ, और यहाँ पे एक अदद ब्रैकेट लिख के मेंशन करेंगे 1/8 और एक्स की पावर माइनस टू और एक्स की पावर 1/2। तो जैसे डेरिवेटिव लेंगे ये पावर आपको पता है कि यहाँ पे 1 ही है तो 1/3 आ जाएगी, और इसमें से 1 लेस करना है तो जो टेक्निक मैं पहले दिन से बता रहा हूँ कि इस सूरत में विदाउट एलसीएम आप ऐसे कर सकते हैं कि 1 के बाद ये 3 जो है 1 यानी अपने माइंड के अंदर 1-3 लिख रहे हैं, यानी ऊपर का 1 और नीचे का -3, तो रिजल्ट क्या आया -2, तो यानी यहाँ पे आप इसकी पावर आ जाएगी -2/3। तो आप लंबे प्रोसेस से बचे, डायरेक्ट इस तरह करें। अब जैसे ये माइनस का 2 है पहले तो इसको जरा बड़ा करके लिखा जाए ताकि आपको नजर आए, तो माइनस माइनस प्लस होगा, और दूसरी बात है जैसे यहाँ पे 2 आएगा तो इससे कटिंग होगी, तो आप फाइनली एक ही दफा कटिंग करें ताकि आपके क्वेश्चन गैर जरूरी लेंदी ना हो, जो ऑलरेडी अगर लेंदी दे रहे तो आप उसको शॉर्ट करने की टेक्निक यूज करें। तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी अगर इस पावर को देखें तो 1 में से 2 को जहन के अंदर ही लेस कर लें तो क्या आ जाएगा -1/2। तो फिर आप चूंकि ये सिलसिला आगे चलना है तो अभी नेगेटिव पावर का पॉजिटिव बिल्कुल नहीं सोचना, अब आप यहाँ पे डायरेक्टली सेकंड डेरिवेटिव के लिए आप डबल डैश अप्लाई करना है, और यहाँ पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो -2/3 = 9 हो जाएगा, और एक्स की पावर फिर इसमें -2 में -3 करेंगे तो -5 आ जाएगी, तो -5/3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 3/4 लिखने के बाद इसकी पावर मजीद -1 होने के बाद -4 हो जाएगी। इसी तरह ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा और मजीद 1/2 से 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक्स की पावर में जैसे यहाँ किया उसी तरह 1 में -2 करेंगे तो -3 हो जाएगा और अपॉन में 2 आ जाएगा। अब आपने इसका थर्ड डेरिवेटिव लेना है तो थर्ड डेरिवेटिव जैसे ही लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और 5 2 5 2 10 हो जाएगा और 3 9 27 और एक्स की पावर -8/3 हो जाएगी। इसी तरह ये जैसे ही माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 आ जाएगा। एक्स की पावर आपके पास -5 हो जाएगा, इधर प्लस माइनस माइनस और -3/4 2 8 और एक्स की पावर -5/2। तो अब फाइनली इसका फोर्थ डेरिवेटिव लास्ट लिया जा रहा है और यहाँ पे इस टाइम ये होगा कि माइनस प्लस माइनस और 10 8 80 हो जाएगा और ये आपका 81 हो जाएगा। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा और एक्स की पावर -11/3 हो जाएगी और -5 3 15 एक्स की पावर -6 और माइनस माइनस प्लस 5 3 15 और 8 2 16 और एक्स की पावर मजीद -2 ऐड हो जाएगा नेगेटिव में -7/2। अब फाइनली आंसर तो आ चुका है, फोर डेरिवेटिव है, सिर्फ और सिर्फ आपने नेगेटिव पावर्स को नीचे लेके आना और नीचे लेके आएंगे तो 80/81 है। और याद रखें कि इस तरह की अगर पावर होती है तो इस सूरत में नीचे जाके पॉजिटिव आती है और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे इंडेक्स 3 लगा के एक्स की पावर 11 करेंगे और इसी तरह माइनस के 15/x की पावर +6 करेंगे और +15/16 और एक्स की पावर को भी रूट में लिख के +7 लिखेंगे इसकी पावर। अब मजीद ये कि इसकी पेयर वगैरह बन के मजीद बाहर आ सकते हैं, वो बुक के आंसर के मुताबिक आप देखेंगे। अगर इसके इसका इंडेक्स 3 है तो 3 करके आपके बाहर आएंगे। मैं वैसे लिख देता हूँ क्योंकि बुक वाले भी बाद इसको जो है वो यहाँ ही छोड़ देते हैं और बाद अगर हम इसमें देखें तो एक्स की पावर 3 का जो मल्टीपल है वो 9 बन जाए तो एक्स क्यूब यहां से निकल आएगा, यानी कि रूट के अंदर अगर 11 है तो आप एक्स की पावर 9 और एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स क्यूब जो है यानी कि 3 के पेयर बन के 3 अदद एक्स बाहर निकल आएंगे। तो मे भी हो सकता है इन्होंने यहाँ पे इसको आंसर दे दिया हो, लेकिन अगर थोड़ा सा ज्यादा किया जाए तो ये बहुत आगे सिलसिला निकल आता है क्योंकि कॉमन भी आ जाता है, क्वेश्चन बाद का रुकने का नाम नहीं लेता। तो बुक वाले इस सिचुएशन को देख के अपनी मर्जी के मुताबिक कभी आगे चलाते हैं और कभी वहां पे रोक देते हैं। अब एक्स की पावर 6 का क्यूब बन के निकल आएगा और एक अदद एक्स अंदर होगा। अब जैसा देखा जाए तो इन तमाम में से जो है वो एक्स क्यूब कॉमन भी आ रहा है, तो बुक से आंसर देखिएगा और अगर कुछ इस तरह का सिलसिला हो तो उसके मुताबिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो लिहाजा कहने का मतलब है बुक मार्केट में आई नहीं है और जब तक उसके आंसर्स नहीं आएंगे तो आंसर्स देखना बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो लिहाजा ये जब वीडियो तैयार की जा रही है तो अभी तक आंसर मेरे पास मौजूद नहीं है, तो तमाम देखने वाले कुछ आंसर्स के मुताबिक बात करते हैं। तो मेरे नंबर पे आप कर सके तो आंसर्स को पिक्चर खींच के सेंड कर दें ताकि मैं आंसर देख के वेरीफाई कर सकूं, क्योंकि मैं अपने तौर पर तरीकेकार के मुताबिक सही चलता हूं, कहीं स्टूडेंट जो के सामने नहीं बैठे होते तो 19-20 गड़बड़ होने के इम्कान है और ऐसी सूरत में डिस्क्रिप्शन में वो गलती को मेंशन कर दिया जाएगा। तो देखने वाले जो मेरे चैनल्स के हवाले से हैं वो डिस्क्रिप्शन में देख लिया करें जब अगर गलती हो, तो चूंकि अभी नई नई वीडियोज हैं तो अभी गलतियों को निकालने वाले आप ही हो सकते हैं।